गाइज आज हमारे पास है बहुत सारे प्लास्टिक के कचड़े, और आपको बता दूं कि इस तरह के जो बॉटल वाले प्लास्टिक होते हैं उनको डीकम्पोज होने में कम से कम 400 से 500 साल लग जाते हैं। लेकिन आज हम लोग इस प्लास्टिक से एक जबरदस्त चीज बनाने वाले, और उसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा जुगाड़ है जिसकी मदद से हम लोग इस प्लास्टिक के कचड़ों से पेट्रोल बनाएंगे। कुछ भी, तो ये जो छोटा सा कंटेनर आपको दिख रहा है इसके अंदर जाएगा सारा प्लास्टिक का कचरा, और उस प्लास्टिक को हमें कम से कम 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग लगाए एक नीचे गैस, ये गैस स्टोव लगाए उसको गर्म करने के लिए, ठीक है। और फिर इसको गर्म जैसे ये होगा उसके बाद इस कंटेनर के अंदर हाइड्रोकार्बन गैस बनेगी जो कि वेपोराइज्ड होके इस पाइप से सीधी जाती हुई इस छोटे वाले डिब्बे में आके रुकेगी, ठीक है। और इस छोटे वाले डिब्बे को हमें करना पड़ेगा ठंडा। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लगाए एक बड़ा सा डिब्बा जिसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे और इस गैस को ठंडी करेंगे, और ठंडी करने के बाद गैस में जो भी पेट्रोल की मात्रा होगी वो यहीं पर जमा हो जाएगी इस छोटे वाले डिब्बे में, और जो सारी गैस पेट्रोल नहीं बन पाएगी वो इस पाइप से होती हुई इधर जाके बाहर निकल जाएगी। तो चलो सारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी सबसे पहले हमें इसके अंदर सारा प्लास्टिक की बोतल, ये जो सारी बोतल है इसको काट काट के इसके अंदर डालना पड़ेगा। गाइस अभी सारा प्लास्टिक का कचरा हमने इस टैंकर के अंदर डाल दिया। पैक करूं? हाँ, अब इसको पैक कर दो। और अब हमारा दूसरा काम ये बचा कि इसके अंदर पानी डालना है। अब भाई समय आता है गैस को स्टार्ट करें और इसके अंदर जो प्लास्टिक भरिए उसको 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें। जो प्रोसेस है हमारा वो स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं कब तक हमें थोड़ा सा पेट्रोल मिलता है। अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि भाई जब तक इसके अंदर का प्लास्टिक गलेगा नहीं तब तक तो कुछ होगा ही नहीं। तो चलो भाई थोड़ा सा इंतजार करते हैं। गाइज अभी सिर्फ लगभग 5 मिनट हुआ है और यहाँ से भाई अपनी गैस यहाँ से लीक होने लगी। ये देखो आपको वॉइस सुनाता हूँ, आवाज ही सुन लो गाइज। अब पता नहीं आपको सुनाया कि नहीं लेकिन यहाँ से भाई आ रही है गैस और स्मेल भी बिल्कुल थोड़ा सा प्लास्टिक की तरह आ रहा है। अब भी तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अभी लगभग 20 मिनट हो गया और यहाँ से भाई धुआं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से जो पेट्रोल का उधर से वेस्ट पार्ट है, वेस्ट मटेरियल, वेस्ट गैस है वो इधर आ रही है। तो भाई इधर आग लगा सकते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं, ये भी प्लास्टिक का है तो ये भी आग लग जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। इसलिए हम लोग इधर कुछ नहीं ट्राई करेंगे, बस हम लोग 1 घंटे का इंतजार करते हैं और 1 घंटे बाद गाइस फिर अब हम लोग इसको देखेंगे कि कितना। अभी यार जो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ भाई, नीचे ध्यान से देखो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं लेकिन नीचे अपना पेट्रोल, अपना जो फ्यूल है वो बन रहा है, बस इतना मैं जानता हूँ। इसीलिए गाइस अब हम लोग 1 घंटे का इंतजार करते हैं। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं गैस को बंद करने, और भाई यहाँ पर कंटेनर बहुत ही ज्यादा फुल गया है। ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ा देर और रहता तो ये फट जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसको बंद कर दिया। और भाई अब रिवील करने जा रहे हैं आपके सामने ये जो हमने पेट्रोल, जो हमने फ्यूल बनाया, ये हटा लो मोटा भाई। लगभग 1 घंटे इंतजार करने के बाद भी हमारा फ्यूल सिर्फ इतना ही बना यार, ये देखो आपके सामने। लेकिन ये जो फ्यूल है ना इसके अंदर काफी सारी अभी अशुद्धियां हैं, अभी ये जो प्योर पेट्रोल होता है वो नहीं है। अब आपको दिखाते हैं कि ये जलता या फिर नहीं। ये देखो भाई इतना ले लिया आपके सामने, और ये देखते हैं, ये देख लो गाइस, देखो देखो पेट्रोल गाइस, ये देखो भाई ये सारा पेट्रोल अब आपको दिख रहा होगा कि जैसे गिर रहा है वैसे फैल रहा है। देखो दो, अरे टेबल जल गया भैया, आग लग गई भाई, वैसे पानी आयो के मार। और यार ये देखो ईंट जल रही है, यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये पेट्रोल की वजह से, अभी अंदर तो नहीं पता चल रहा था लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो आपके सामने हमने सारा कुछ दिखा दिया। मतलब कि गाइस हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो बिल्कुल ही सही से वर्क किया।
गाइस आज हमने अपने तरीके से कचरे के प्लास्टिक से पेट्रोल यानी कि एक फ्यूल बनाया और वो आपको दिखाया। ये जो कंटेनर है उसको भी काट दिया और अब भाई आप देखकर हैरान हो जाओगे क्योंकि हमने सोचा था कि इसके अंदर जो प्लास्टिक होगी वो नीचे आग की वजह से जल जाएगी, वो लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं गाइस। ये कंटेनर के अंदर कुछ ऐसा है और भाई ये देखो इतना सारा हमने प्लास्टिक इसके अंदर डाला था और बचा सिर्फ कितना, ये आपके सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो।